माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्र रामपति राष्ट्रीयता श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय सभी विधायकगण, विधान परिषद के सदन सभी भाई बहन भाइयों, आने की धरती सर्व हुई जय धर्म के भाई तूफान पर बाधित हुई तो भी संतूरी वो धर्म के मंदिर मार्ग से धरती पर गंगा तट पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। भागलपुर का इतिहास बहुत पुराना रहा है। भागलपुर के दक्षिण 45 किलोमीटर लंबा पर्वत समुद्र मंथन का पटरी है और मैं आपका भागलपुर के धरती पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, मन पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रविशंकर जी, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान शाहनवाज हुसैन मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और भारत के भाग्य को बदलने के लिए कृत संकल्प भागलपुर के भारत के भाग्य विधाता मेरे भाइयों और बहनों, हमारे ये रेशमी शहर भागलपुर के माता बहन और भाई सबका हाथ जोड़ी के प्रणाम करे जियो। भाइयों बहनों, मैं इन दिनों हिन्दुस्तान के अलग अलग इलाकों में भ्रमण कर रहा हूं। चुनाव घोषित होने के बाद बिहार में ये मेरी शायद तीसरी या चौथी यात्रा है। ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान के सारे राज्य एक दूसरे की स्पर्धा करने में लगे हैं। राज्यों राज्यों के बीच स्पर्धा चल रही है। कोई राज्य सोचता है कि मेरा राज्य ही इस बार दिल्ली के कुशासन का विनाश करेगा, तो कभी दूसरा राज्य सोचता है कि नहीं, इस बार तो दिल्ली के कुशासन का विनाश मेरा राज्य करेगा। भाइयों बहनों, दिल्ली के कुशासन को खत्म करने के लिए इन दिनों हिंदुस्तान के राज्यों में होड़ लगी हुई है, स्पर्धा लगी हुई है। और भाइयों बहनों, मैं अभी झारखंड से आ रहा हूं। बिहार ने भी कमाल कर दिया। ये चमचमाती धूप में ये लाखों लोग, भाइयों बहनों, आप तपस्या कर रहे हैं, तपस्या, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका ये तप मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। भाइयों बहनों,
आज सुबह सुबह जब मैं गुजरात से निकल रहा था तो टीवी पर एक पट्टी चल रही थी, उसमें अभी अभी जो किताब आई है प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वाली, तो पीएम का परिवार बड़ा नाराज हो गया। तो प्रधानमंत्री की बेटी ने एक बयान दिया, ऐसा टीवी में पट्टी चल रही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि संजय बारू ने ये किताब लिख करके उसमें जो जानकारियां है वो बाहर रख करके हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो लिखा है वो गलत है, उन्होंने की शिकायत ये नहीं है, उनकी शिकायत ये है कि घर की बात उन्होंने बाहर कर दी है, हमसे धोखा किया है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी का परिवार भी ये मानता है कि हां 10 साल ऐसे ही गए हैं। भाइयों बहनों, मां बेटे ने ही राज किया है और देश को तबाह कर दिया है। मैं कभी कभी सोचता था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, वाणी स्वतंत्रता का हक दिया, बोलने का अधिकार दिया, 125 करोड़ देशवासियों को अपनी बात बताने का अधिकार मिला हुआ है, ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री का बोलने का अधिकार छीन लिया गया। 10 साल हो गए प्रधानमंत्री चुप बैठे। ये किताब पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि उनका बोलने का हक किसने छीन लिया है। मैं सोच रहा था कितना ही इंसान कितना ही दुखी क्यों न हो, कितनी ही मुसीबतें क्यों न हो, लेकिन कभी तो मुस्कुराता है, कभी तो हंसता है। मैं सोच रहा था 10 साल हो गए, प्रधानमंत्री एक बार भी हंसते नजर नहीं आए। ये किताब देखने के बाद पता चला हंसी आए तो कहां से आए, हंसे तो किस पर हंसे, रोए तो किस पर रोए। और मुझे खुद के लिए भी लगता है, मुझे लगता है कि भूतकाल में चुनाव की गर्मी में मैंने भी कभी कभी प्रधानमंत्री जी के लिए अच्छे बुरे शब्द बोल दिए थे। ये किताब पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो उनका कोई गुनाह नहीं है, बेकार में बेकार से उनको गाली गाली पड़ रही है, सारा पाप मां बेटे का। भाइयों बहनों, क्या 10 साल तो बर्बाद हो गए, आगे भी बर्बाद होना है क्या? ये मां बेटे को राज देना है क्या? पिछले से दरवाजे से तामाशी को राज देना है क्या? नहीं देना है ना। भाइयों बहनों, ये चुनाव एक गंभीर बात हो, और लगता है कि चुनाव में गंभीर विषयों पर चर्चा हो, महंगाई पर चर्चा हो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, महंगाई पर चर्चा हो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी पर चर्चा हो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर चर्चा होनी चाहिए, किसानों के लिए चर्चा होनी चाहिए, मजदूरों के लिए चर्चा होनी चाहिए, गांव के लिए चर्चा होनी चाहिए, शहर के लिए चर्चा होनी चाहिए, रेशम के कर्मकारों के लाभ चर्चा होनी चाहिए,
गंभीर बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मैं भी चाहता कि इस लोकसभा में गंभीर विषयों पर बहस हो। कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रखे, भाजपा अपना पक्ष रखे, एक गंभीर चर्चा हो। लेकिन भाइयों बहनों, मैं निराश हो गया, कोई चर्चा नहीं हो रही है। और पता नहीं कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता को मैदान में लाए हैं तो उसका बालक मन वो बचपन की चीजों में ये खोया हुआ रहता है। 15 दिन तक उनके हाथ में गुब्बारा आ गया था तो 15 दिन तक वो गुब्बारा लेकर के खेलते रहे। जैसे बच्चा मेले में जाता है ना तो गुब्बारा लेता है ना। अब 2 दिन से अब बच्चे का स्वभाव होता है, एक खिलौना लंबे समय तक चलता नहीं, उसको बदल करता है। तो 15 दिन तक गुब्बारा चलाया, अब 2 दिन से टॉफी लेके घूम रहे। ये बालक मन जो है, ये बालक मन गुब्बारे और टॉफी से बाहर निकल नहीं पा रहा है। उनके लिए टॉफी सब कुछ है, हमारे लिए विकास की स्पर्धा में रोज नई ट्रॉफी अर्जित करना ये हमारा मकसद है भाई। उनको ट्रॉफी चाहिए, हमें देश के लिए विकास की ट्रॉफी चाहिए। हम 14 साल से गुजरात में काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं। अब तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन तक की 300 ट्रॉफी हमने अर्जित किए। 300 ट्रॉफी शाहजादी जी, बहुत हो गया। अब तो ये ट्रॉफी छोड़ो, कुछ गंभीर बातें करने लगो। भाई बहनों, अचानक मैडम सोनिया जी अब चुनाव की बागडोर संभालने में आगे आई है। वो सोच रही थी पहले कि बेटा कुछ करके दिखाएगा, लेकिन कुछ निकला नहीं। अब करे क्या, तो मां को मैदान में आना पड़ा और टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देकर के वो राष्ट्र के नाम संदेश देना शुरू किया है। पेड न्यूज आते हैं, आपने देखा होगा, शुरू किया है कल से। उनके पास पैसे हैं, टीवी को खरीद सकते हैं, टीवी का समय खरीद सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। पैसे बहुत है और यही तो समय है, थोड़ा बहुत खर्चा करेंगे। लेकिन मैडम, आपने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों का आज मैं भागलपुर की धरती से आपको जवाब देना चाहता हूं। मैडम सोनिया जी, आप जब कहती हैं कि आप और आपकी पार्टी लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करती है तो देश के गले नहीं उतरता है मैडम। 2004 में आपकी सरकार बनी, सबसे पहला काम क्या किया आपने? हिंदुस्तान में जो गवर्नर बैठे थे रातों रात किसी भी प्रकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया किए बिना, मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा विचार किए बिना, रातों रात आपने उन गवर्नरों को बर्खास्त कर दिया था। क्या ये आपकी लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान का नमूना है?
मैडम सोनिया जी, हमारे संविधान की व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट का एक विशेष स्थान है। मैडम जरा बताइए, जब देश में अनाज सड़ रहा था, अनाज चूहे खा रहे थे, अनाज रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिक रहा था, भारत की सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अनाज गरीबों को बांट दो। आपने वह अनाज गरीबों को नहीं बांटा, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी नहीं बांटा, आपने उस अनाज को सड़ने दिया और इंसान के या जानवर के खाने के काम भी नहीं रहा। और उसके बाद आपकी सरकार ने क्या किया, मेहनत करके पसीना बहान करके मेरे किसान ने जो अनाज पैदा किया था उस अनाज को सड़ने दिया, वो अनाज गरीब के पेट में नहीं गया, शराब बनाने वाली कंपनियों को 80 पैसा किलो के भाव से आपने बेच मारा। ये आपने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया क्या? ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सम्मान किया क्या? मैडम सोनिया जी, मैं आपको गिन गिन करके हिसाब दे सकता हूं। भाइयों बहनों, हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए आईबी का बड़ा महत्व होता है। चाणक्य के जमाने से कहा गया है कि किसी भी सरकार की ताकत उसकी गुप्तचर संस्था कितनी ताकतवर है उस पर डिपेंड करती है। चाणक्य के जमाने से कहा गया है। मैडम सोनिया जी, आपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए चुनी हुई सरकार के लोगों को जेलों में फूंसने के लिए और गुजरात सरकार और गुजरात को तबाह करने के लिए, क्या ये सच नहीं है? भारत के संविधान की दो महत्वपूर्ण संस्थाएं सीबीआई और आईबी, आपने सीबीआई और आईबी दोनों को टकरा दिया कि नहीं टकरा दिया? सीबीआई और आईबी के भी दराज पैदा की या नहीं की? भारत की आंतरिक ताकत तोड़ने का इससे बड़ा पाप और कोई हो नहीं सकता, जो पाप मैडम आपने किया है। इतना ही नहीं मैडम, हम आपसे पूछना चाहते हैं, भारत के संसद व्यवस्था में सीबीसी का महत्व है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर ये महत्वपूर्ण संस्था है, आपने उसका सम्मान रखा क्या? आप सीबीसी के लिए विरोध पर जो एक महत्वपूर्ण संस्था है उसकी आवाज को मानने के लिए तैयार थे? बहन सुषमा जी ने गंभीर सवाल उठाए थे, क्या उसको आपने सुनने की भी तैयारी रखी थी? मैडम सोनिया जी, आपने अपनी मनमर्जी से विरोध पक्ष के विरोध को भी नकार करके, उस प्रक्रिया को नकार करके अपनी पसंद का सीबीसी अपॉइंट किया था और आपके पसंद किए गए सीबीसी पर गंभीर तरह प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनकी जांच चल रही थी और आपने उनको सीबीसी बढ़ा दिया। ये देश का सौभाग्य है कि भारत के न्यायालय ने आपको डंडा मारा और उस सीबीसी को जाना पड़ा। मैडम सोनिया जी, आप मुझे बताइए, भारत के लोकतंत्र में कैबिनेट
सर्वोपरि है या नहीं है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा है कि नहीं है। मैडम सोनिया जी, हिंदुस्तान सरकार की कैबिनेट एक निर्णय करे, प्रधानमंत्री उसको सहमति दे और आपके युवराज, आपके शहजादे पत्रकार परिषद में भारत की चुनी हुई सरकार की कैबिनेट के कागज को फाड़ दें, प्रधानमंत्री की पगड़ी उछाल दें। क्या ये आप लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करते हो? क्या ये लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान होता है? भाइयों बहनों, एक परिवार के लिए राजनीति चल रही है, एक परिवार के हितों के संदेश चल रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए नहीं कुछ हो रहा है। इसलिए मैडम सोनिया जी, देश को गुमराह करने वाले आपके तौर तरीके बहुत हो चुके हैं। अब देश मां बेटे का कारोबार चलने नहीं देगा। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता आते हैं, बड़े बड़े भाषण करते हैं, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया। अरे कम से कम महंगाई पर तो बोलो, बोलते हैं क्या? ये महंगाई पर कुछ बोलते हैं क्या? भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ बोलते हैं क्या? बेरोजगारी पर कुछ बोलते हैं क्या? लोगों का कहना है नरेगा दिया, नरेगा दिया। शाहजादे जी, जरा देश के सामने सच्चाई तो रखो। भाइयों बहनों, 5 करोड़ लोगों ने नरेगा के अंदर रोजगार के लिए अर्जी की थी, 5 करोड़ लोगों ने। और जिस नरेगा के गीत गा रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार दिया? पूरे हिंदुस्तान में 45 लाख लोग, आधे करोड़ भी नहीं, 5 करोड़ लोग मजदूरी चाहते थे। आपने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई थी, हजारों करोड़ रुपया लगा दिए, लेकिन रोजगार मिला सिर्फ आधे करोड़ को। ये कौन सी योजना की कथाएं सुना रहे हो? कौन सी बातें आप हिंदुस्तान की जनता के गले उतारना चाहते हो? भाइयों बहनों, बहुत हो चुका, अब हम इस देश को लूटने नहीं देंगे, इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। मैं आज बिहार की धरती से नौजवानों के साथ सीधी बात करना चाहता हूं। और भागलपुर की इस धरती से मैं देश के 18 से 28 साल की उम्र के नौजवानों को साफ साफ कुछ कहना चाहता हूं। मेरे नौजवान, मेरी बात सुनोगे? अगर मेरी बात पर आपको भरोसा पड़े, मेरे देश के नौजवानों, 1828 की उम्र के बीच के, 18 से 28 की उम्र के बीच के मेरे नौजवानों, देश के नौजवानों, अगर मेरी बात आपके गले उतरे तो मेरे साथ चल पड़िए, मैं आपका भाग्य बदल दूंगा। जरा गौर से मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। किसी भी विद्यार्थी के जीवन में, किसी भी विद्यार्थी के जीवन में 12वीं की एग्जाम, 12th क्लास की स्टैंडर्ड की एग्जाम एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट होता है। अगर वो 12वीं की एग्जाम बराबर कर लेता है, अच्छे मार्क्स ला देता है, तो आगे उसके सारे दरवाजे खुल जाते हैं। वो डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, कहीं फौज में जाना, कहीं पर भी जाना चाहे,
बारहवीं के एग्जाम विद्यार्थी के जीवन में महत्वपूर्ण होती है, होती है नहीं होती है भाइयों? होती है ना। और बारहवीं में डूब गए तो दुनिया डूब जाती है कि नहीं डूब जाती? सारा अंधेरा छा जाता है, नहीं छा जाता है? वैसे ही आपके पूरे जीवन में 18 से 28 साल की उम्र बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आपके जीवन के सारे निर्णय इसी 10 साल में होते हैं। आगे आप 50-60 साल जितना भी जिए, उसका पूरा आधार ये आपकी 18 से 28 साल की उम्र होता है। भाइयों बहनों, अगर इस 18 से 28 साल की उम्र में आपके जीवन में कोई सही काम नहीं हुआ, शिक्षा सही नहीं हुई, रोजगार सही नहीं हुआ, व्यापार सही नहीं हुआ, अपने आप को ठीक से एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, तो मुझे बताइए 28 के बाद आपके हाथ में कुछ रहेगा क्या? आप अपने मां बाप के काम आएंगे क्या? खुद की जिंदगी घर के लिए बोझ बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? हर नौजवान 18 से 28 के बीच में अपने आप को सेटल करना चाहता है। भाइयों बहनों, मुझे बताइए 10 साल जैसी सरकार चली, गत 10 वर्ष जैसी सरकार चली, अगर भविष्य में भी 5 साल 10 साल ऐसे ही आपके माथे पर मार दिए जाए, तो ये जीवन का गोल्डन पीरियड कुछ काम आएगा क्या? आप बर्बाद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आपके 5 साल नहीं बिगड़ेंगे, आपकी पूरी जिंदगी बिगड़ जाएगी। ये बात मेरे नौजवान समझे, 65-70 साल के व्यक्ति के जीवन में 5 साल बढ़ना बिगड़ना ज्यादा फर्क नहीं करता है, लेकिन 18 से 28 साल की उम्र के नौजवान में 5 दिन बिगड़ जाए तो भी उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। आप मुझे बताइए, आप अपने आगे के 5 साल बर्बाद होने देना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं? आप अपनी जिंदगी में नए अवसर चाहते हैं? आप मेहनत करके आगे निकलना चाहते हैं? तो भाइयों बहनों, दिल्ली में मजबूत सरकार की जरूरत है। आपके भाग्य से जुड़ी हुई, आपने आपके सपनों के लिए जीने वाली दिल्ली में मजबूत सरकार की जरूरत है। देखिए नौजवानों, देश ने इस सरकार को निकालने का तो निर्णय कर लिया है, 60 साल वालों ने भी कर लिया है, 70 वालों ने भी कर लिया, 80 वालों ने कर लिया, 40 वालों ने भी कर लिया, 25 वालों ने भी कर लिया, लेकिन सरकार जाने का निर्णय तो देश ने कर लिया है, अच्छी सरकार लाने का निर्णय नौजवानों ने करना पड़ेगा। मजबूत सरकार लाने का निर्णय नौजवानों ने करना पड़ेगा, और इसलिए मैं नौजवानों से प्रार्थना करता हूं, इसलिए मैं नौजवानों से प्रार्थना करता हूं कि अब से चुनाव तक पूरे देश में आप मन में ठान लो, दिल्ली में मजबूत सरकार बननी चाहिए। दिल्ली सरकार मजबूती से काम करे ऐसी चाहिए, देश को मजबूती से आगे ले जाए ऐसी सरकार चाहिए। और अगर ये करना है तो दिल्ली में कम से कम 300 कमल पहुंचाने पड़ेंगे। देश भर में से मेरे नौजवानों, 300 कमल को विजय दिलाना, ये मेरे नौजवान ठान लीजिए, मजबूत सरकार देने का भाजपा आपको वादा करता है, मजबूत कदम उठाने का वादा करता है, देश को मजबूत बनाने का वादा करता है।
भाइयों बहनों, आपके दिमाग में कमल होगा, आपकी जुबान पे कमल होगा, आपके दिल में कमल होगा, लेकिन जो कमल जुबान पे है, जो कमल दिमाग में है, जो कमल दिल में है, आपको मतदान के दिन उस कमल को उंगली पे उतारना पड़ता है। पोलिंग बूथ में जाकर के ईवीएम मशीन पर कमल को बटन दबाना पड़ता है, तब जाकर के कमल खिलता है। और भाइयों बहनों, बिहार में तो कमल भी खिले, पंखा भी चले और झोपड़ी भी रोशनदार बने, ये सपना लेकर के चलना है। और इसलिए एनडीए के हमारे जितने साथी बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, सबको विजयी बना करके एक सशक्त मजबूत सरकार दिल्ली में बनाइए। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय सैयद शाहनवाज हुसैन साहब और विजय प्रमुख जी, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, विक्रम सिन्हा की तस्वीर देकर के माननीय हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय विजय प्रमुख जी, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सैयद शाहनवाज हुसैन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अरे हमारा पीएम कैसा हो, अरे देश का पीएम कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, अरे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं, हमें आशा ये पूर्ण विश्वास है कि आपका वचन कमल पर ही दबेगा।